गाइस मैं रोशन सिंह ने और गैप इंडियस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे। सो दोस्तों, आज हम जानकारी लेने आए हैं विनायक ट्रेडिंग कंपनी में, मेरे पीछे देख सकते हैं, ई लोडर के बारे। तो ई लोडर के बारे में और भी वीडियोस डाला हूँ, ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगा। आप ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा और मिस्टर कमल अग्रवाल जी से हम मिलेंगे जो इसके ऑनर है, तो पूरी वो जानकारी देंगे आपको रूबरू, क्या इसमें जो खूबी है इस लोडर में और क्या प्राइस का है, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगा। इवन इसमें सब्सिडी कितने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये भी जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए आइए, उनसे मिलते हैं और आगे की बारे बात करेंगे। चलिए आइए। आज हम देखेंगे ई कार्ट ई लोडर, जो कि बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है मेरे वीडियो में, ई लोडर के बारे जानना चाहते हैं कि वो क्या प्राइस का आता है और क्या क्या उसमें खूबियाँ हैं। तो चलिए आइए, मैं मिस्टर कमल अग्रवाल जी जो कि ऑनर है विनायक ट्रेडिंग कंपनी के, तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। और ये रायपुर में स्थित है, इसका सर एड्रेस क्या है आप बता देंगे? ये विनायक ट्रेडिंग कंपनी जी रोड आमापारा चौक आजाद चौक में ही है, जो आर डी तिवारी स्कूल के सामने है। हाँ। और अग्रवाल मेडिकेयर और शीतला मंदिर के ठीक बीच में है। हाँ। गूगल में भी आप सर्च करेंगे, रिव्यू देख सकते हैं जितने लोग भी लिए हैं। रायपुर में मोस्टली 20-25% आप देखेंगे कि आपको लोहिया ब्रांड के गाड़ियाँ दिखती है, जो कि मोर देन 500 हमने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, 500 से ज़्यादा गाड़ी हम बेच चुके हैं। तो लोहिया में आपको दोनों मिलेगा, ई रिक्शा भी मिलेगा, ई लोडर भी मिलेगा, तो आप ये दोनों ब्रांड यहाँ मिल सकता है, एक ही जगह में आपको दोनों चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो चलिए आइए, जानकारी लेते हैं ई लोडर के बारे। तो सर, इसमें आप ये बताइए कि ये कितने प्राइस का अपन को मिल जाता है? देखिए, ये लोडर में भी हमारे पास 3-4 वेरिएंट के हैं। अच्छा। इसमें एक तो साइज की माने तो साइज के ऊपर डिफर करता है, एक डाला। अच्छा। का साइज 3x4.5 आता है। अच्छा। और एक 4x5 आता है। हाँ। दो डाले में आते हैं। हाँ। और इसमें लीड एसिड और लिथियम दोनों आते हैं। अच्छा। और जो लिथियम बैटरी वाला गाड़ी है, इसका डाला साइज सिर्फ 3x4.5 में आता है। अच्छा। इसमें एक दो मॉडल आते हैं, ये छोटे चक्के आते हैं और एक बड़े चक्के का भी गाड़ी आते हैं, जो बाद में रोशन जी आपको दिखाएंगे। हाँ। और डाला भी दोनों साइज का आते हैं। अच्छा। इसमें लिथियम बैटरी वाला जो गाड़ी आता है वो 3 साल वारंटी के साथ आता है। अच्छा। और इसका लोडिंग कैपेसिटी 5 क्विंटल सभी गाड़ी का है। 5 क्विंटल मतलब 500 किलो? हाँ, 500 किलो तक आप माल इसमें डाल सकते हो। इसमें भी गाड़ी का एवरेज आपको कम से कम 100 किलोमीटर एक चार्जिंग में मिलेगी आपको। अच्छा। और बाकी फीचर सब जैसे पैसेंजर गाड़ी का है सभी है। उससे मोटर ये बहुत बेहतर क्वालिटी का लगा है, जैसे उसमें 1000 वाट का मोटर लगता है तो इसमें 1200 वाट का, 1500 वाट का लगता है। हाँ। और कंट्रोलर भी हेवी लगता है इसमें। हाँ। तो माल ढोने में आसानी होती है। हाँ। ये हम बहुत जगह सप्लाई किए हैं, सभी होलसेलर के पास गाड़ी है। आप प्लांटों में भी इन हाउस के लिए गाड़ी बहुत फिट है, जैसे जसवाल निको में हमारा 10 गाड़ी यही वाला है, API इस्पात में है, रियल इस्पात में है। आप होटल इंडस्ट्री में जाओगे तो महावीर स्वीट्स ब्रेक बास्केट, आप अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे तो होतवानी ऑटो, वैसे बहुत सारे गाड़ियों में, सब ट्रेडर्स में, सभी जगह ये गाड़ी हमारे मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है, जैसे इंडोचेन में भी चल रही है, और बहुत अच्छा गाड़ी है। लोडिंग में शायद हम सबसे अधिक विक्रेता हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के। तो सर, हमें ये भी ध्यान रखना है कि 500 किलो से ज़्यादा यूज़ ना करें। हाँ, 500 से ज़्यादा यूज करने से गाड़ी ऑटोमेटिक बता देगा, इसका MCB रहता। अच्छा। है, वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, वो ऑटोमेटिक बता देता है। हाँ हाँ। अच्छा, आप 500 से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, गाड़ी का चेसिस के लिए भी अच्छा है, गाड़ी का हेल्थ के लिए अच्छा है। तो सर, वो सेम है, वो बैटरी को मेंटेन करने के लिए अपन को बस बैटरी आपको मेंटेन करना रहेगा, बैटरी में कार्बन रहता है उसको सफाई करना रहेगा। हाँ। और गाड़ी को, जैसे ये कार नहीं है कि स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं है, अपन भगाएंगे, जैसे रिक्शा चलाते हैं 25 का स्पीड में ये चलता है ये सब गाड़ी, तो 25 के स्पीड में आराम से चलाएंगे तो इसका लाइफ 6 से 8 साल तक कुछ भी नहीं होगा गाड़ी। चार्जिंग का सर कितने घंटे में चार्ज? तो देखिए, लीड एसिड तो ओवरनाइट चार्ज करना पड़ता है, और लिथियम बैटरी 4 से 5 घंटे के अंदर चार्जिंग हो जाता है। अच्छा। लिथियम भी 4 से 5 घंटा? हाँ, लिथियम बैटरी 4-4.5 घंटा चार्जिंग लगती है। वो भी लगता है उतना? हाँ, लिथियम बैटरी को 4-4.5 घंटा से पहले चार्ज नहीं होगी सर। अच्छा। हाँ। और सर, इसमें और क्या क्या फीचर्स हमको इसमें भी हम लोग FM के साथ देते हैं, इसमें भी FM आता है, स्पीकर आते हैं। हाँ। और फायर रजिस्टर रहते हैं इसमें, इसमें मैटिंग रहते हैं, गाड़ी के सकअप सस्पेंशन बहुत अच्छे रहते हैं, उसके फ्रंट जो ग्रिल देखेंगे आप बहुत हैवी मिलेगा आपको, इसका डाला तीनों तरफ से खुल जाता है, इजीली खुल जाता है। अच्छा। तीनों तरफ से
तो आपको कोई लंबा सामान डालना होगा तो इसका डाला भी बहुत मजबूती बहुत अच्छा रहता है। हाँ, हाँ। हर गाड़ी में स्टेपनी आता है हमारा। हाँ, हाँ। और बाकी जो तो ये सारा चीज अपन को मिल जाता है। हाँ। इसमें भी अपन जब फाइनेंस कराते हैं तो इसमें भी फाइनेंस हो जाता है वही 30-40 हज़ार डाउन पेमेंट में। हाँ। लेकिन इसमें सब्सिडी नहीं है। अच्छा, इसमें जो लिथियम बैटरी है इसमें हो चाहे पैसेंजर में हो अपन को 38,000 का सेंट्रल सब्सिडी मिलता है जो इंस्टेंट अपन काट के दे देते हैं। अच्छा। कस्टमर जो प्राइस देते हैं उसको काट के ही बताते हैं। अच्छा। 38,000 फेम टू सब्सिडी है इसमें। इसका प्राइस सर बता दीजिएगा क्या क्या प्राइस का है। इसमें लीड एसिड में 1,60,000 बेस मॉडल से चालू है, 1,75,000 तक अलग अलग वेरिएंट में रेट है उसके। हाँ। और आप लिथियम जाएंगे तो 2,40,000 के लगभग गाड़ी है, वो सब्सिडी काट के 2,05,000 से 10,000 के बीच में आती है। हम लोग सर इसको इसका एज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इस गाड़ी में। एज इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब देखने का कुछ भी नहीं है गाड़ी को, बस जो ग्रीसिंग वाला पार्ट है आप प्रॉपर ग्रीसिंग कराओ, चक्के में लुब्रिकेंट डालो और बैटरी का क्लेम को आप लुब्रिकेंट करो और कुछ नहीं करना है। और सर इसका बैटरी कहाँ पे रहता है ये? इसका बैटरी के डाला के नीचे रहता है, 2 नट आपको खोलने रहते हैं उसके। हाँ। नीचे दिखते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, देखा आपने मिस्टर कमल अग्रवाल सर ने हमको कितना इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको ये सब्सिडी के बारे में पता चल गया कि इसमें सब्सिडी नहीं मिलता है एक्चुअली। जो सब्सिडी 33,000 का मिलता है 38,000 लीड एसिड के ऊपर नहीं मिलता, लिथियम बैटरी का गाड़ी में लिथियम बैटरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो काट के ही बताते हैं जो भी प्राइस आपको है ना। हाँ। तो आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। ये रायपुर में काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पे, जहाँ पे आपको दोनों मिल जाता है, ई रिक्शा भी मिल जाएगा और आपको ये लोडर भी मिल जाएगा, है ना। तो आप आइए विज़िट करिए और ज़रूर आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न है, इनका जो डिटेल है कॉन्टैक्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी और यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू, ऐसे ही आप थैंक यू रोशन जी, थैंक यू आप थैंक यू आने के लिए। और आप ऐसे वीडियो देखा कीजिए, मेरा डेली वीडियो आता है। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिला होगा मिस्टर कमल अग्रवाल जी से, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो को देखा कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 2-व्हीलर भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मैं आपको सरप्राइज़ है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, उसके बारे में पूरी रेंज आपको बताऊँगा, वो अगली वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। और जो कि हम विनायक ट्रेडिंग कंपनी में देखे हैं, यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है, ई रिक्शा, लोडर और 2-व्हीलर, ये सारे चीज़ें हैं। तो 1 by 1 आप सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया, और आप ऐसे देखते रहिए और बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियो आप देखा कीजिए और लाइफ में कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून।